आदर अदाब अभिनंदन आभार दोस्तों। अभी हाल में हम लोगों ने नवरात्रे बनाए, उससे पहले हमने गणपति बनाए और उसके बाद त्योहारों का सिलसिला ऐसे चला जिसमें करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली। अब इन सब त्योहारों में खास बात क्या थी? ये सारे त्योहार बहुत मीठे थे क्योंकि मिठाइयाँ जम के पेली गई हैं हर जगह। तो अब डर किस बात का है कि इससे एक जुड़ी हुई चीज़ आती है जिसे हम बहुत मीठी बीमारी कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़। और डायबिटीज़ आगे चल के काफ़ी परेशान कर सकती है अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो। नहीं जानते हैं उसी के लिए हम आपको आज मिलवा रहे हैं, जो आपको पूरी जानकारी तो देंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप डायबिटीज़ से समझे ढंग से कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करती है और अगर हमें डायबिटीज़ से लड़ना है तो हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, कैसे हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी बुंदेलखंड, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं डॉक्टर पांडे, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस मामले में, और वो आपको पूरा बताएंगे इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इस पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मीठी बीमारी का निदान करते हैं आज 14 नवंबर को, जो कि वर्ल्ड डायबिटीज डे की तरह बनाया जाता है। चलें। सो गुड इवनिंग दोस्तों, आप साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर सौमित्र पांडे। दोस्तों अभी हम आपसे सुन लीजिए समझ लीजिए जान लीजिए झांसी शो में डॉक्टर साहब से आज डायबिटीज़ का, चूँकि दिन है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14th of November, तो डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं कि आप खुल के बताएं हमें पहले तो झांसी को और बुंदेलखंड को कि डायबिटीज़ चीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ चीज़ क्या होती है, आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है मुझसे। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में इसको बताना चलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ। जी, डायबिटीज़ बस एक ऐसा प्रोसेस है हमारे शरीर का जबकि चीनी शरीर में बढ़ने लगती है। अब वो चीनी कम बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जी, चीनी बढ़ने के कारणों में से एक प्रमुख कारण तो ये है कि हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि जो है उसने इंसुलिन निकालना कम कर दिया, जिसके वजह से चीनी बढ़ने लगी। जी, दूसरा हमारा शरीर में रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो शरीर में ग्लूकोज तो है, शरीर में इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन कोशिकाओं पे सही से काम नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं ले पा रही। तो शरीर के ब्लड में तो ग्लूकोज ज्यादा रहेगी, सेल्स के अंदर कम रहेगी और हमें दिन भर कमजोरी लगती रहेगी। डायबिटिक पेशेंट्स, ज्यादातर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सर हमें कमजोरी रहती है, थोड़ा मुंह सूखता है और पैरों में हल्की सी जलन होती है, ये सारे फीचर्स डायबिटीज़ के हैं। अमूमन सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर आपका मुंह ज़्यादा सूखता है, आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, 6 महीने में अगर आपका वजन 3 से 5 किलो कम हो चुका है। अच्छा, कमी होना एक रीज़न है कि ऊपर जाना? नहीं नहीं, जब आपका शुरुआती फेज में आपका वजन बढ़ेगा। अच्छा, जब आपको डायबिटीज़ हल्की हल्की सी हुई है, लेकिन जब डायबिटीज़ आपके शरीर में मान लो 300-400 रहने लगी तो आपका हर हालत से वजन गिरना चालू होगा। और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास तभी आते हैं जब उन्हें कोई चेंज लगता है शरीर में। कोई भी ऐसा नहीं है जो फूल रहा हो और हमारे पास आए दिखाने, वो जब एकदम से वजन कम होगा या एकदम से उसको कमजोरी लगेगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, बार बार जो है मुंह सूखेगा। आज शाम में ही एक पेशेंट जो है मुंह सूखने की कंप्लेंट्स लेके आया। तो इस तरीके से जो है आपको अगर ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, हाथों पैरों में सुन्नपन आ रहा है, झुंझुनाहट रहती है, ऐसा लगता है चींटी सी चल रही है, तो ये सारे फीचर्स डायबिटीज के हो सकते हैं और गंभीर बीमारी है, लेकिन बड़ी ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है अगर पेशेंट जरा से थोड़ी बहुत घरेलू उपाय और सही लाइफस्टाइल और थोड़ी बहुत दवाइयां ले तो ये इजीली मैनेजेबल है। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज को बीमारी मत समझो, ये माइंडसेट का खेल है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बीमारी है, आप इस पे इसको किस तरह से इसको मैं दोनों चीजों को एक में ले लेता हूं। ये लाइफस्टाइल हैबिट है कि ये बीमारी भी है, इसको आप बीमारी समझें लेकिन इसको दिमाग में ना पाल लें कि मैं डायबिटिक हो गया हूं। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वंस अ डायबिटिक इज ऑलवेज अ डायबिटिक। एक बार अगर आपकी HbA1c या ब्लड फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर आपके बढ़ के आए जी, तो ये मान के चलिए कि ये पूरी जिंदगी भर के लिए हो गए। अगर आप कभी भी चीनी ज्यादा खाना चालू कर देंगे या आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये बढ़ने लगेगा। लेकिन आपको ये सोचना नहीं है, क्योंकि सोच स्ट्रेस बढ़ा देगी और स्ट्रेस बढ़ेगा तो डायबिटीज बढ़ेगा। इसीलिए मैं सारे पेशेंट से कहता हूं, डायबिटीज के साथ जीना सीख लो,
ये बहुत डिफरेंट है। डायबिटीज़ के साथ जीना आ गया तो मज़ा आ गया। जैसे कि आप किसी शादी में गए, वहाँ लोग आपको रसगुल्ले खाते भी देखेंगे, वहाँ आपको लोग रसमलाई खाते भी देखेंगे, ये सब चीज़ें आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगी, आपको लगेगा यार मैं ये खा लूँ। लेकिन उसी शादी में आपको जो है अंकुरित सलाद भी रखा होगा, उसी शादी में खीरे ककड़ी टमाटर भी होंगे जो आप डायबिटीज़ वालों के लिए फ़ायदेमंद है, उसी शादी में मूंग दाल चीला भी होगा जो प्रोटीन है जिसको आप लेके गड़बड़ नहीं कर सकते, मिस्सी रोटी भी होगी, पनीर भी होगा, तो हम वो खा लेंगे। तो बेसिकली डायबिटीज वालों को एक तरफ फाइबर और एक तरफ प्रोटीन, एग्जैक्टली मतलब आपको जो कॉम्पोजिशन ऑफ मील है उसमें अपना कार्बोहाइड्रेट 50% से कम रखना है। इंडिया में हर एक मील में कार्बोहाइड्रेट 70-90% तक होता है, बिहार में तो इट इज़ अराउंड 90% जहाँ पे लोग केवल दाल भात खाते हैं और आलू खाते हैं। तो अब हो क्या रहा, हमारा जो फूड का जो कॉम्पोजिशन है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी प्लेट को चार बराबर भागों में बांट दें तो एक चौथाई भाग से ज़्यादा हमारा रोटी या चावल नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल स्वस्थ आदमी के लिए भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में हर आदमी डायबिटीज़ के लिए प्रोन है, उसको कभी भी हो सकती है, ये आप मान के चलें, एशियंस में इसकी जीन है। आप लोग सुन रहे हैं, थाली में एक चौथाई, एग्जैक्टली थैंक यू, एक चौथाई से ज्यादा नहीं। और रोटियों का परसेंटेज और चावल का परसेंटेज एक मात्रा में कम ही लेना है, 2-4 रोटियां इज मोर देन सफिशियंट, क्योंकि आजकल जब तक आप बहुत हैवी वर्कआउट ना करते हो, अगर आप 1500-2000 कैलोरीज लेते हैं तो एक बार में आप 4 रोटी से ज्यादा ना खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ टेंडेंसी क्या है, जब तक पेट यहां तक ना भर जाए गले तक तब तक हम खाना रोकते नहीं है। अच्छा, ज्यादातर बुंदेलखंड में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बुंदेलखंडी हूँ, मैंने बचपन से का मील देखा है, गांव भी खूब गया हूं मैं, मैंने देखा है यहाँ लोग चटनी रोटी, सब्जी रोटी या दाल रोटी, इनमें से कुछ भी एक लेते हैं, जबकि ये कॉम्पोजिशन हर चीज का होना चाहिए, रोटी सब्जी दाल दही चटनी, जब आप सब मिला के खाओगे तो रोटियां कम खानी पड़ेंगी, सब्जी अपने आप जाएगी, दाल अंदर जाएगी, तो इट विल बी अ कंप्लीट फूड बैलेंस डाइट हो जाएगी। और अपने बुंदेलखंड में ज्यादातर घरों में या तो मूंग की दाल की रोटी बन गई या आलू टमाटर और रोटी बन गई, तो वो बहुत बड़ी सरदर्दी। मैं तो यही कहूँ, तो मुझे हर एक चीज बेसल पता है यहाँ कैसे होती है। तो डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ये बताएं कि आपने बताया डायबिटीज क्या होता है, आपने बताया डायबिटीज में इंटेक क्या लेना चाहिए, तो इसके साथ साथ अगर हम ये भी थोड़ा जान लें कि डायबिटीज के हमने टाइप्स भी सुने हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है एक टाइप दूसरे टाइप से, और कौन सा फेटल होता है, कैसे ये फेटल होता जाता है, ताकि थोड़ा लोग सजग हो जाए। ऑब्वियसली मैं तीनों ही, अभी तो डायबिटीज बहुत सारे टाइप्स की हो चुकी है, लेकिन मैं आपको मुख्यतः तीन तरीके की डायबिटीज समझाऊंगा आज। वैसे तो वो मोर देन 10 वेराइटीज अब हो चुकी है प्रेजेंट सिनेरियो में। पहले बात करेंगे, जैसे सभी लोग समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप की डायबिटीज है, जो हमारे समझ से अलग है। जो हम लोग ज्यादातर सोसाइटी में देखते हैं वो टाइप 1 नहीं है, वो टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी डायबिटीज है जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, जिसमें बिना इंसुलिन के काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि इंसुलिन एक हमारे शरीर का हार्मोन है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और ये डायबिटीज ज्यादातर बचपन में ही डायग्नोज हो जाती है, 5 साल की उम्र में या उससे कम में या 10 साल से कम उम्र में, ठीक है। ऐसे लोगों को ही जो है इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और ये लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे ही रह सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे, मेरे पास 3 साल के बच्चे से डायबिटिक्स आते हैं, और 16-17 साल के तो बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक्स आते हैं, उन सबको मैं डे 1 से जो छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स को समझाता हूँ कि इनका इंसुलिन मिस नहीं होना चाहिए, जो बड़े बच्चे उनको ये समझाता हूँ बेटा इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। तो यहाँ तो हमारे पास ग्रंथि ही नहीं है, या ग्रंथि है तो उसमें बीटा सेल्स ही नहीं है जो इंसुलिन निकाल रही है, तो हमें इंसुलिन बाहर से ही लेना पड़ता है एट एनी कॉस्ट। ये वाली बीमारी मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल है, और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत चाहिए होता है, और ये कंप्लीटली डिफरेंट है मोटापे वाली डायबिटीज से जो आजकल ज्यादा कॉमन है लाइफस्टाइल से रिलेटेड। इसमें भी हमें एक्सरसाइज करनी है टाइप 1 में भी, इसमें हमारे मील के प्लानिंग, मील का टाइमिंग और इंसुलिन लगाने का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग टर्म में आपको स्वस्थ रखता है और कोई दिक्कत नहीं होती। बस अगर आप इंसुलिन लेते रहेंगे और सही प्रोपोर्शन मात्रा में भोजन करते रहेंगे तो लाइफ लॉन्ग दिक्कत नहीं होगी, और आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह 70-80 साल जिएंगे। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा वसीम अकरम, हु इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, और ही इज अ टाइप 1 डायबिटिक। वो बचपन से जो है वो ही यूज टू स्विम एंड ही यूज टू इंजेक्ट द इंसुलिन, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप उसको सही तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हो गई टाइप 1 वाली डायबिटीज जिसमें इंसुलिन देते हैं।
टाइप 2 डायबिटीज इज नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आमूमन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी कि हमारे पास कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के माध्यम से इंसुलिन अंदर जाता है। इसमें रिसेप्टर्स का मॉडिफिकेशन हो जाता है, रिसेप्टर्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि इंसुलिन तो ढेर सारा है हमारे शरीर में, टाइप 2 डायबिटिक्स में यूजुअली इंसुलिन लेवल हाई होता है, अच्छा। बाद में कम होता है लेट फेजेस ऑफ द डिजीज में, जब बाद में हमें इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन शुरू में हमेशा इंसुलिन हाई होता है और रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हाई होता है, अच्छा। उसके वजह से इंसुलिन भी है शरीर में लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, काम नहीं कर पा, तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी पड़ती हैं जो उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें और ऐसा रिसेप्टिव बनाएं कि इंसुलिन चिपके और बाहर से ग्लूकोज को अंदर ले ले। उससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगेगी, सेल्स में बढ़ने लगेगी, सेल्स में बढ़ने लगेगी तो कमजोरी खत्म हो जाएगी और ब्लड में कम हो जाएगी तो डायबिटीज कम हो जाएगी। सुपर, इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये दो हो गई। अब जो तीसरी डायबिटीज आजकल जो बहुत कॉमन हो गई है वो है मॉडी, MODY, दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस ऑफ द यंग। अच्छा, अब ये कैसी बीमारी है भाई? ये वो बीमारी है जो ना टाइप 1 है ना टाइप 2 है, इसका एकदम डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। मॉडी में बहुत सारी वैरायटी की मॉडी है, मॉडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और वो अलग अलग जीन्स और अलग अलग रिसेप्टर्स की गड़बड़ी की वजह से होती है। अब ये बीमारी उन लोगों में ज्यादा है जिनके घर में पैटर्नल डायबिटीज चली आ रही है, जहाँ पे पापा मम्मी डायबिटिक थे, ग्रैंडफादर्स डायबिटिक, तो उसके चांसेस आजकल 50% से ज्यादा है कि जो बच्चा है वो भी डायबिटिक होगा। और इसमें भी रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, ये इसमें भी इंसुलिन लेवल में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इस बीमारी का ऑनसेट का टाइम बड़ा अलग है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज बचपन से होती है, टाइप 2 डायबिटीज आमूमन 30 साल के बाद होती है, अच्छा। लेकिन जो मॉडी है ये 17 साल से 30 साल के बीच में ज्यादा होती है, जो 30 साल के बीच, आप ये मान के चलिए कि एडोलेसेंस से चालू होके अर्ली अडल्टहुड में होती है, अच्छा। और आजकल इसके केसेस बहुत ज्यादा है, मतलब आप हर जगह अगर देखेंगे तो 30 इयर्स 25 इयर्स 26 इयर वाले डायबिटिक पढ़ते जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इनसाइट ऑफ टाइप्स ऑफ डायबिटीज सर। आई थिंक बहुत लोगों को इससे जानकारी मिलेगी और ये भी समझ पाएंगे कि वो किस चीज़ से लड़ रहे हैं। जी जी। तो अब एक बहुत ज़रूरी सवाल लाइफस्टाइल हैबिट को लेकर के, आजकल आपको मालूम है सारे यंगस्टर्स ही बहुत स्ट्रेस में, तो जो आपने मूडी कहा मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो यंगस्टर्स क्या है कभी कैरियर बनाने के चक्कर में या कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके टारगेट्स के चक्कर में, डेडलाइंस के चक्कर में, आईटी का जमाना है और ऑब्वियसली उनके खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता है डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो खाना है वो आजकल नए जमाने का खाना है, पिज्जाज हैं, बर्गर हैं, जोमैटो है, कॉसमेटो है, यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर। तो डॉक्टर साहब ये किस तरफ इशारा करता है वन जी, और कैसे इसे हैंडल किया जाए जी? इशारा तो ये करता है कि ये ग्लोबल पेंडेमिक तो है ही, लेकिन इंडिया में डायबिटीज़ इतना बड़ा पेंडेमिक हो जाएगा 10 सालों में कि कोरोना और इन सब पे जितना खर्चा हुआ है ना, उससे ज़्यादा खर्चा तो अभी इंडिया में डायबिटिक की दवाइयों का है, दवाइयों। और ये जो आजकल जोमेटोज एंड एवरीथिंग फॉर विच एवर प्लेटफॉर्म, आप कहाँ से भी ऑनलाइन फूड मंगा रहे हैं या खा रहे हैं घर में, वो सब में ऑयल कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और ये सब ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं। आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे, गड़बड़ चीज़ अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो वो शरीर तो गड़बड़ होना ही है। अब इससे बचाव कैसे किया जाए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैं एक पॉलिसी आज आप लोगों को भी समझा देता हूं, विट इज HIP, दैट इज हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आपको जो है 1 घंटे शरीर को देना है, 1 घंटे में आप 45 मिनट तो एक्सरसाइज करें, जिसमें आप वो कोई भी टाइप की एक्सरसाइज हो सकती है, दैट कैन बी साइकिलिंग, दैट कैन बी वॉकिंग। और मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, एक्सरसाइज करने का कोई टाइम नहीं होता, ये इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर आदमी को सुबह 5 बजे exactly. नहीं उठ पाता तो मैं जा नहीं पाता। तो हमें अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, तभी हम इस ग्लोबल पेंडेमिक से बच पाएंगे जो इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट फॉरगेट द HIP डॉक्टर साहब सेड, हेल्थ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, इसको हम जैसे आप बता रहे हैं अगर हम वैसे ट्रीट कर सकते हैं जी, क्या हम शुगर के साथ रह सकते हैं? इज देयर लाइफ? जी जी, ऑब्वियसली देयर आर 2 ट्रैक्स। मैं ईश्वर तो नहीं हूँ जी, लेकिन मैं रिसर्चर हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, जो जितना हमने पढ़ा है जी। अगर आप 30 साल की उम्र में हैं और अगर आप दवाई नहीं खाते हैं जी, तो 40 to 45 years ऑफ द एज में आप डायबिटीज के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे कि रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी या फिर कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक्स, ठीक है। अगर आप 30 years ऑफ द एज में दवाई खाते हैं तो आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, और आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रेगुलर फॉलो करते हैं तो शायद आप नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताएंगे।
इस तरीके से हम सभी की ज़िंदगी मॉडिफाई की जा सकती है, सही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से सही ट्रैक पे बिताई जा सकती है। ग्रेट, सुपर। तो आपने थोड़ा सा हमें उम्मीद भी भर दिया, हमें थोड़ा तसल्ली भी दी डॉक्टर साहब। हमारे पास आपको थैंक यू कहने के लिए तो कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन हम आपकी HIP जरूर फॉलो करेंगे, ये हम सबका वादा है। इट्स सीरियसली फन टॉकिंग टू यू और हमारे श्रोताओं और हमारे व्यूअर्स का आपने पूरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों को धन्यवाद। दोस्तों अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, किसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी में, और फिर किसी टैलेंटेड वन से कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया चीज़ जानेंगे जो हम सब नहीं जानते।